नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे 3 दिन के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को राम जन्मभूमि पर वैदिक रीति से वास्तु शांति, शिला संस्कार और नवग्रह पूजन शुरू हुआ। उसके बाद श्री हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्हों की विशेष पूजा की शुरुआत हुई। ये पूजा सालों बाद की गई। बुधवार को 12:30 बजे भूमि पूजन शुरू होगा, जो 10 मिनट तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन का समय अब और नजदीक आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हुए 12 बजे जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। वे यहां पारिजात का एक पौधा लगाएंगे। भूमि पूजन समारोह के देश में लाइव कवरेज के लिए 48 से ज्यादा हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या में आज होने वाले दीपोत्सव और अन्य कार्यक्रमों के लिए चैनलों की ओवी वैन राम की पैड़ी में 3 दिन से लगी हुई है। 3 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत सोमवार को गौरी गणेश और भगवान राम और माता सीता की कुल देवियों के पूजन के साथ शुरू हो गई। आज रामाचार्य पूजा होगी। काशी, प्रयागराज और अयोध्या के 9 वैदिक आचार्य इस पूजा को संपन्न कराएंगे। भगवान राम के नाम का जप होगा। वहीं 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम के यजमान बीएचपी के प्रमुख रहे अशोक सिंघल के पुत्र सलील होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश की सभी परंपराओं के संतों और अन्य लोगों समेत 175 लोगों को भूमि पूजन समारोह के लिए आमंत्रित किया है। अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या आने का कार्यक्रम कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। वहीं वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन समारोह में जुड़ेंगे। 21 सौदीपों से आज व कल होगी महाआरती। अयोध्या में सरयू घाट पर आंजनेय सेवा संस्थान नित्य महाआरती कराती है। भूमि पूजन समारोह के अवसर पर मंगलवार और बुधवार को संस्थान की ओर से 21 सौदीपों की महाआरती करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कई मंदिरों में सोमवार से ही भूमि पूजन को लेकर दीपोत्सव शुरू हो चुका है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने 51 सौदीप जलाए तो उदासीन ऋषि आश्रम में हफ्ते भर से दीप जलाकर मंदिर निर्माण की शुरुआत की खुशी मनाई। बुधवार को ये उत्सव अपने चरम पर होगा। रंग बिरंगी लाइटों से सजी अयोध्या। इधर तैयारियों का जायजा लेने आए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। केवल वे ही यहां आए जिन्हें आमंत्रित किया गया है। ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखेंगे। उन्होंने देश की जनता से दीप जलाने का आह्वान भी किया। पुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आए जो आमंत्रित है, बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हरेक श्रद्धालुजन की, हरेक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबका प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। अभिजीत मुहूर्त होने के कारण मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। इस अवधि में रोगवाण, अग्निवाण, राजवाण, चोरवाण और मृत्युवाण नहीं है। इनके नहीं होने से बीमारी, आग, राजकीय संकट, चोरी और मृत्यु का संकट नहीं आएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री ने कहा है कि अभिजीत मुहूर्त के 16 भाग में 15 अतिशुद्ध होते हैं, जिनमें ये 32 सेकंड अहम है। बुधवार होने से मंदिर निर्माण बिना विघ्न के यशस्वी रूप से पूरा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सांस्कृतिक इकाई संस्कार भारती मिट्टी के 5100 घड़ों को कलात्मक ढंग से सजा रही है। इन्हें रंग,
कपड़े, गोटे, आम के पत्तों और दीपों से सजाया जा रहा है। ये घड़े साकेत महाविद्यालय से गुजरने वाले अयोध्या मार्ग पर रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।